इंसान के पास दर्द की अपनी ही एक जागीर होती है। हर कोई दर्द को जानता है, समझता है, महसूस करता है, पर दर्द से गुफ्तगू कोई नहीं करता। आंखों से बहते आंसू और चेहरे पे उभरते हुए दर्द के भाव को हम देख सकते हैं, मगर जिगर में पलते तथा मन से लगते हुए दर्द को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दर्द कब किस रूप में आएगा यह कोई नहीं जानता। अरे आशा। हाँ बाबा, काम खत्म करके आ रही हूँ। आई विश यू पापा, आपकी बहुत याद आएगी पापा। अशोक, आज फिर अपने हाथ में ब्रश उठा लिया। इस वक्त किसे कैनवास पर उतार रहे हो? पापा, यहाँ की बिजी लाइफ के बाद भी इतनी सुविधा है कि वहां आने का मन ही नहीं होता। दिल में दबे हुए दर्द को कैनवास पे उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। फिक्र हो रही है ना कि बहुत दिन हो गए, अपने राजेश का फोन क्यों नहीं आया? मेरे दिल से अब मेरे मन को भी समझने लगी है। राजेश की फिक्र मैं क्यों करूं? और ऐसे भी वो बच्चा थोड़ी रहा है, बच्चों का बाप बन चुका है। अरे, यूएस में बैठे बेटे की चिंता माँ को तो होगी ना। आपके जन्मदिन की पार्टी में भी वो आ नहीं पाएगा, बस फोन से विश कर देगा और फ्लावर का बुके भेज देगा। राजेश का फोन आया था, ये बात मुझे नहीं बता रही है। बुके भेज देगा, ये बात मुझे किसने बताई? बहुत दिनों से राजेश का फोन नहीं आया, और आया भी तो मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उसकी। राजेश की चिंता करना छोड़ दे आशा, ये तो ये भी पता नहीं कि वो बेशर्म हमारी चिता को आग देने आएगा भी या नहीं। क्या अमेरिका में माँ बाप के लिए किसी के पास भी वक्त नहीं होता? फिर ऐसे जीने से क्या फायदा? माँ की कोख, माँ का दूध, माँ की ममता, क्या बड़े होकर बच्चे सब भूल जाते हैं?
आशा, ऐसा सोच सोच कर दिमाग पर जोर डालना अब छोड़ दे, वरना असर तेरे ही दिल पर होगा। जवान बेटा है, डांट भी तो नहीं सकते, और फिर दिल में हलचल मचाने वाला ये दर्द आपस में अपने मन से लड़ता रहे। तेरा रुतबा क्या है, तेरी पहचान, तेरा वजूद क्या है, क्यों भटकती रूह की तरह दर बदर भटकता है, कभी किसी की आंखों से टपकता है, कभी किसी के चेहरे पर उभरता है, कभी किसी के जिगर में पलता है, कभी किसी के मन से लड़ता है। ऐ दर्द, दर्द, काश तेरे सीने में भी दिल होता तो तुझे भी दर्द एहसास होता, काश तेरी भी आंखें होती तो आईने में दर्द का भयानक चेहरा तो देख पाती, काश तेरे भी कान होते तो सीने को चीरती हुई चीख तू सुन पाता। ऐ दर्द, ऐ दर्द, तू खुददार नहीं है, कोई भी नहीं चाहता है तुझे, न बुलाता है तुझे, फिर क्यों बिन बुलाए मेहमान की तरह हर जगह नजर आता है तू, हर जगह।